गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? सुबह हो चुका है आज तो। ये हमको 4 बजे ही, 4 बजे से पहले उठा दिए थे लोग। फिर हम सोचे अब सोए क्या, जग ही जाते हैं। तो ये लोग देखिए मस्तियाँ कर रहे हैं, मस्तियाँ, छुबे छुबे उठ के मस्तियाँ। मेरे बच्चा देखिए, ये देखिए दोस्तों कितना कोहरा है चारों तरफ। मैं आई हूँ ऊपर वॉक करने, अभी पूरा 6 भी नहीं बजा है प्रॉपर। ये लोग हमको जल्दी उठा दिए थे आज, वैसे हम 4 बजे से उठते हैं, ये लोग हमको 4 बजे से पहले उठा दिए थे। फिर नींद नहीं आया, फिर बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक्सरसाइज जल्दी कर लिया तो जल्दी काम हो गया। तो बस तो फ्रेंड्स, मुझे मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल वाला। ये देखिए इतना बाल तो झड़ना ही नहीं चाहिए। जब अभी जवानी में इतना बाल झड़ना तो बुढ़ापा बाकी ही है, बुढ़ापा बाकी है। अभी बच्चे जब हो जाएंगे डिलीवरी के बाद इतना बाल झड़ेगा, इससे ज़्यादा ही झड़ेगा। तो सोच रहे हैं ये टकला ही बनवा ले, ना रहेगा बास ना बजेगी बाँसुरी फालतू में। और हमको किसी चीज़ से रिएक्शन हो गया है और ये दाने निकल रहे हैं हमको। ये देखिए माथे पे भी है, ये सब है, दाने निकल रहे हैं। दुनिया भर का तो चीज़ ही हो रहा है, कोई क्या क्या चीज़ टेंशन करे, एक्सरसाइज करे, हेल्थ का ध्यान दे, पतले हों, मुंह का ध्यान दे, बाल का ध्यान दे, घर का ध्यान दे, किसका ध्यान दे, हम ऐसे टकले हो जाते हैं आराम से, सारा काम ही ख़त्म। अगर आप लोगों के पास कोई भी नुस्खा हो, घरेलू नुस्खा हो या जो भी चीज़ हो, कोई मेडिसिन हो, ऑयल हो, तो भैया हमको ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइए, बता दीजिएगा मेरी वीडियो में, नहीं तो कुछ दिन बाद हम टकले ही आपको दिखेंगे। तो फिर वो शिप्स आएंगे तो वो भी हमको पहचानने से इनकार कर देंगे, कहेंगे हम तो बाल वाली शालू छोड़ के गए थे, ये हमको कौन मिल गया टकली औरत। तो प्लीज़ रहम करिए मेरे ऊपर और हमको कुछ टिप्स दीजिए, और इन सब चीज़ के लिए भी दीजिए, ये दाने के लिए। तो यहाँ पे सब भौंक रहे हैं, सब चलने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मम्मी बाहर आ गई हैं बेड से, तो ये भी बाहर आने की सब कोशिश कर रहे हैं। अब सारे बच्चे सब बात समझने लगे हैं। फ्रेंड्स ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अपना ऐसा हुलिया बनाए हैं, क्योंकि सुबह है, कोहरा भी है, बहुत ठंडी लग रही है। यहाँ पर मैं शाही पनीर बनाने का तैयारी कर रही हूँ, ये देखिए। तो देखिए मेरी पनीर की सब्जी बन गई है, ये देखिए टेस्टी लग तो रहा है, वो तो खाने में ही पता चलेगा। ये देखिए खा कर ही बता सकते हैं कैसे बना है, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पर रोटी बन रहा है, बन रहे हैं, ये देखिए ये लोग बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, ये लोग चलना सीख गए हैं, निकल जा रहे हैं बाहर, ठुमक ठुमक के, चमक चमक के निकल रहे हैं बाहर।
ये इसका लग रहा पैर स्लिप कर रहा है इस पे टाइल्स पे। सब 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 अपनी मम्मी का दूध पीने के लिए, देखिए 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 कैसे करते हैं बदतमीजियां ये लोग, कैसे करते हैं ये लोग, देखिए इन लोगों को सब निकल जाते हैं बाहर। सुंदर सुंदर। तो हम खाना बना लिए हैं, पनीर की सब्जी बनाए हैं, शाही पनीर की सब्जी। और मेरा कोई रेसिपी नहीं रहता, हम किसी भी तरह कुछ भी बना देते हैं। तो पनीर की सब्जी बनाए हैं, पापा के लिए पूछ के भैया बनाए थे क्योंकि उनको क्या पसंद है, उनको क्या खाना है, क्योंकि फिर बना दो तो फिर उनको पसंद नहीं आता है, तो हम उनसे पूछ के बनाए थे। कल वो बोले थे कि, कल पूछे थे तो वो बोले थे कि आलू का पराठा बनाओ, तो हम आलू का पराठा बना दिए थे। आज हम पूछे कि क्या खाएंगे तो कह रहे हैं कुछ भी बना दो, हम बोल रहे हैं कुछ भी नहीं बनाएंगे, आप जो बोलेंगे वही बनाएंगे। तो फिर कह रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी बनाओ, तो बना दी उनके लिए आलू टमाटर सब्जी। अपने लिए हम पनीर बनाए हैं, अभी हम खाने जा रहे हैं। ये खाना खाएंगे ऊपर जाकर, अभी कार स्टार्ट करने के लिए बहुत दिन हो गया, ये भी भूल ही गए थे, हमको कल ही स्टार्ट करना था लेकिन भूल गए थे हम। अभी जाएंगे ऊपर तो फिर खाना खाएंगे। और जब भी खाना खाते हैं ना, तब तब जितने देर तक खाते रहेंगे स्टेला उतनी देर तक मुँह रख के देखती रहेगी देखती रहेगी देखती रहेगी, कि जितना आप नहीं खा पाएंगे ना उससे ज़्यादा उसको आपको देना पड़ेगा। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब चलने लगे हैं, सब लगभग लगभग चलने ही लगे हैं, निकल जाते हैं। अभी स्टेला को दूध दिए थे सुबह, तो स्टेला बाउल में पी रही थी और उसको पीने के चक्कर में सारे के सारे बेड से बाहर निकल के सब मुंह डाल लिए अपना उसमें, फिर हम जल्दी से हटाए क्योंकि उसमें ना स्टेला का दवा था, तो इसलिए हम बोले नॉर्मल दूध रहता तो चलो कोई बात भी रहता, लेकिन उसमें उसका दवा था तो इसलिए कुछ नुकसान ना हो जाता। इसलिए आज धूप निकला तो है लेकिन बहुत हल्का धूप निकला है, और ठंडी ठीक है, नॉर्मल है। सुबह तो बहुत ज़्यादा था, और मेरे ख्याल से ये जनवरी भर तो रहेगा ही, फरवरी में तो एकदम हल्का सा नाम मात्र के लिए रहेगा, फिर मार्च से वही। मार्च का मौसम तो बहुत ही गंदा लगता है, बहुत हद से ज़्यादा, कि वो पूरा पतझड़ का मौसम, उदास मौसम लगता है, एकदम पतझड़ का मौसम उदास उदास लगता है। फिर जैसे जाड़े में तो लोग धूप निकलता है तो लोग बाहर निकलते हैं, बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, छुट्टी रहती है बच्चों। और गर्मी में तो भैया, गर्मी में तो एकदम सारे लोग अपने घर के अंदर, कोई दिखेगा ही नहीं, कोई दिखेगा ही नहीं भैया। और एकदम शाम तक, एकदम 7 बजे तक धूप ही रहता है, शाम को 6:30-7 बजे तक। बहुत बेकार लगता है गर्मी का मौसम, और गर्मी से ज्यादा तो हमको बरसात का मौसम खराब लगता है, इतना किच किच किचर किचर हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। थोड़ा हमको पता है मौसम कब से अच्छा लगने लगता है, सितंबर अक्टूबर से हमको अच्छा लगने लगता है। और पहले तो गर्मी ठंडी पड़ती, और पहले तो ठंडी का मौसम तो लंबा नवंबर अक्टूबर से तो स्टार्ट हो जाता था, अब पूरा अक्टूबर चला जाता है, पूरा नवंबर चला जाता है, दिसंबर भी पूरा इस बार चला गया, एकदम दिसंबर के आखिरी से पड़ना स्टार्ट हुआ है और अब जनवरी में पड़ रहा है। तो बस यही सब है, मोहल्ले में कोई है ही नहीं क्या, मतलब मेरे मतलब एज का, या कोई मतलब कोई किटी विटी भी नहीं, कुछ कुछ होता ही नहीं है, सब लोग अपना अंदर ही रहते हैं, कुछ मजा ही नहीं आता है। और हम भी वैसे भी, हम भी बिजी ही रहते हैं। सामने आंटी हैं प्रीतु दीदी की मम्मी, उनसे बात हो जाती है मेरी कभी कभी। सामने रुचि है, वहाँ वेदा, उनसे बात हो जाती है। और नीचे मेरे वो सरोज आंटी लोग हैं, उनसे तो बात होती ही है, वो लोग तो हैं ही, वो लोग हैं तभी तो थोड़ा अच्छा ही लगता है, वो लोग ना रहे तो एकदम बेकार ही लगे हम लोगों को। तो हम तो अपना चले जाते हैं, जैसे पापा अपना कहीं फ्रेंड व्रेंड के यहाँ जाते हैं तो हम तो नीचे आंटी के पास चले जाते हैं, संजना वंजना सब बच्चे अच्छे रहते हैं तो मज़ा आता है। और हम लोग कभी कभी साथ में खाना भी खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। और एक शर्माइन आंटी से बात हो जाती है, शर्मा आंटी हैं वो, उनसे बात हो जाती है बस। और तो किसी से मेरी बात नहीं होती कांटेक्ट में, तो वैसे सब लोग हैं, शर्मा आंटी लोग, ये लोग मोहल्ले के तो लगभग सारे लोग ही कांटेक्ट में हैं, बस शर्मा आंटी लोग, प्रीतु की मम्मी, रुचि की मम्मी, ये सारे लोग क्या बोलते हैं कि मेरे मतलब इन लोग से मेरी बात होती है, और सरोज आंटी इन लोगों से बस। आंटी कल वो बनाई थी, हम उनसे बोले थे ना, और आंटी से हम बोले थे ना कि आंटी फरे बनाइएगा तो बुलाई हमको दीजिएगा ज़रूर, तो आंटी फरे बनाई थी स्पेशली मेरे लिए बनाई थी, और बहुत ही टेस्टी था, बहुत टेस्टी था हद से ज़्यादा। वो घर पे तो खिलाई थी, फिर हम पैक करके भी ऊपर दी थी, तो हम ऊपर भी खाए थे रात को खाना, वही खाए थे, और फिर उसको सुबह भी हमने 2-3 बचा लिए थे, सुबह भी खाए थे, अच्छा लग रहा था हमको, टेस्टी।
हम भी बनाएंगे फिर से, मज़ा आया हमको खाकर, यम्मी। और वो जो ग्रीन वाली चटनी बनाई थी ना वो भी बहुत अच्छा था। तो हमको कुछ भी चीज़ खाने का मन करता है तो आंटी बनाती हैं। एक बार हम क्या बोले थे, आंटी हमको आपके हाथ की पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, तो आंटी पनीर बना के हमको दी थी। पनीर तो भैया वैसे तो हम नॉनवेज खाते नहीं हैं, तो डॉक्टर बोले प्रोटीन की आपको ज़रूरत है तो आप ये सब चीज़ तो खाइए, और हफ्ते में 3 दिन तो पनीर खाइए ही खाइए। हफ्ते में क्या, हमको तो पूरा महीना हो जाता है पनीर खाए हुए, लेकिन बनाए हैं पनीर। अब हम सोच रहे हैं हफ्ते में 3 दिन तो खाए ये सब्जी नहीं है, तो चलो उसका भुर्जी बना के या उसको सोटे फ्राई करके, मतलब पनीर का पनीर तो खाए यार। ब्रोकली हमको पसंद नहीं है, मशरूम पसंद नहीं है, ब्रोकली लेकिन खाएंगे, सोच रहे मन मार के खाए लेकिन खाए ब्रोकली, कुछ तो अच्छा चीज़ जाए। बाल भी इतना झड़ रहा है, मुंह में दाना है, दुनिया भर का सारा चीज़ हो गया, अपनी हम केयर कर ही नहीं पाते हैं पूरे दिन, वही बच्चों लोग में इन लोग में लग जाते हैं, तो फिर हम केयर नहीं कर पाते, फिर हम थक जाते हैं, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता, फिर अपना टाइम में ही टाइम लेते हैं, स्पेंड करते हैं इतना। और हमको बाल में तेल लगवाना अच्छा लगता है, कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, जब भी हम घर जाते हैं ना तो तेल जरूर लगवाते हैं। और एक संजना है, वो जब भी हम बीमार होते हैं या कुछ भी वैसे हमको ज़रूरत रहता है, वो मेरे बाल में तेल लगाती है, सब कुछ करती है, तो वो है तो थोड़ा सपोर्ट रहता है हर चीज़ का आंटी और संजना से। और बाकी सौम्या है, सौम्या भी बहुत अच्छा तेल लगाती है, वो भी लगवाई थी सौम्या, जो मेरी बड़ी वाली दीदी है ननद, उनके यहाँ परमानेंट काम करती है ना, वो भी बहुत अच्छा तेल लगाती है बाल में। तो ऐसा लगता है ना कि कोई तो तेल लगाए यार, कोई घर में रहता नहीं, मतलब मेरे साथ कोई रहता नहीं है ना, कोई रहे बात बात करने वाला, और थोड़ा उसको कुछ हो तो हम उसकी मदद करें, हमको कुछ हो तो वो करे सर्वर। अब हम कोई काम वाली ढूंढ रहे हैं ऐसी, जैसे हम ही लोग की एज की या हमसे कम एज की, कोई परमानेंट काम वाली, हमको एक परमानेंट काम वाली चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप लोग की नज़र में आप लोग अगर किसी को भी जानते हैं तो प्लीज़ हम मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम वाली की, एक परमानेंट 24 घंटे जो मेरे साथ रहे। तो बस यही सब चीज़ है फ्रेंड्स, ये है मेरा लंच, सब्जी, रोटी अभी हमें सोचिए कि इस कलर रखे हुए, क्योंकि इसमें बाजरा, मक्का, मतलब मल्टीग्रेन रोटी है, सब मिलाए हैं, मिक्स करके बनाए हैं, और ये प्याज। तो बस हम जा रहे हैं खाना खाने। सब चल रहे हैं, सब तेज बन रहे हैं अपने आप को, सब निकल रहे हैं अपने बेड से बाहर। देखिए स्मार्टनेस, बाहर जाना है इनको बाहर। क्या है, क्या मुंह देखो अपना कर तुम, क्या चाहिए, बिस्किट खत्म हो गया, इतना थूक निकाला जाता है बिस्किट खाकर। पोछ का हल्ला तुम्हारा, हाँ नहीं भैया खत्म हो गया, नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, नहीं। तो फ्रेंड्स मैं कॉफी पी रही हूँ, तो डिनर में तो वही रहेगा, सब्जी पनीर की और रोटी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।